डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष की लोक प्रशासन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कॉलेज शिक्षा निदेशालय के बारे में पढ़ेंगे। कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो है, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, औद्योगिक संस्थान तथा उच्च तकनीकी महाविद्यालयों के अलावा जो सामान्य उच्च शिक्षा के महाविद्यालय हैं, उनको निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए सन 1958 में कॉलेज शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। वर्तमान में यह निदेशालय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल जो है जयपुर में है, वहाँ पे यह क्या है, इसका कार्यालय है। राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, इन सभी के लिए क्या है, अलग अलग निदेशालय हैं। राज्य सरकार स्तर पर प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए पृथक पृथक मंत्री भी बनाए गए हैं। मंत्री के अधीन क्या है, प्रमुख शासन सचिव तथा सचिव के अधीन कई उप सचिव कार्यरत रहते हैं, जो शिक्षा के विभिन्न निदेशालयों से संबंधित क्या है, कार्य करते हैं। तो हम आपके पाठ्यक्रम में जो निदेशालय है उसका संगठन और कार्यों के बारे में जानकारी चाही गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो है उसका क्या है, इस प्रकार से ये संगठनात्मक ढांचा है। यह जयपुर में स्थित है तथा जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर तथा अजमेर में इसके क्या है, क्षेत्रीय सहायक निदेशक कार्यालय भी कार्यरत हैं। जयपुर का जो सहायक निदेशक का कार्यालय है वो मुख्यालय में ही पदस्थापित है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो है उसका जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो उच्च शिक्षा मंत्री है, और उसके अधीन क्या है, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और प्रमुख शासन सचिव, उसके नीचे ये सेक्रेटरी जो हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, और उनके अधीन क्या है, आयुक्त या निदेशक होते हैं। कॉलेज शिक्षा जो निदेशालय है उसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी निदेशक कहलाता है, जो राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में, मतलब ये आईएएस की पोस्ट है ये। और अब इसके बाद में क्या है, इसको क्या है, पहले निदेशालय कहते थे, अब इसको क्या है, आयुक्तालय कहते हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा कॉलेज शाखा से संबंधित जो व्याख्याता है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, उनको क्या है, नियंत्रित निर्देशित पूरे विभाग को क्या है ये, मतलब समन्वित ये करता है। और राज्य के जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं और राज्य सरकार के मध्य क्या ये निदेशालय जो है समन्वय की भूमिका निभाता है। निदेशक के अधीन क्या है, 5 संयुक्त निदेशक हैं, 1 संयुक्त निदेशक कार्मिक, 1 संयुक्त निदेशक आयोजना व समन्वय और संयुक्त निदेशक अनुदान, संयुक्त निदेशक अकादमिक, ठीक है, इस प्रकार से क्या है, 1 संयुक्त निदेशक प्रशासन। तो ये 5 क्या है संयुक्त निदेशक, इसके निदेशक के अधीन होते हैं, और 3 उपनिदेशक होते हैं, एक ये प्रशासन के अधीन संयुक्त निदेशक, 1 संयुक्त निदेशक कार्मिक के अधीन उपनिदेशक, 1 संयुक्त निदेशक आयोजना व समन्वय के अधीन उपनिदेशक होता है। 11 क्या है सहायक निदेशक होते हैं, और इसके अलावा 1 समन्वयक कोऑर्डिनेटर जिसको कहते हैं, NSS राष्ट्रीय सेवा योजना के भी इसमें होते हैं। इसके अलावा मुख्यालय का अधिकारी, उसके अधीन लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार होते हैं। ऐसे ही उप विधि परामर्शी होता है, उसके नीचे क्या है, मुख्य विधि सहायक, और इस प्रकार से ये कार्यालय अधीक्षक जिसको कहते हैं, ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं, ये होते हैं। और सहायक निदेशक जो हैं इसके नीचे आपको ये दिख रहे हैं, इस प्रकार से ये क्या है, इसका संगठनात्मक ढांचा है। और इसको विभिन्न शाखाओं में बांटा गया है, संस्थापना शाखा, लेखा शाखा, बजट शाखा, शैक्षणिक शाखा, छात्रवृत्ति शाखा, गोपनीय शाखा, अनुदान शाखा,
विधि शाखा, युवा गतिविधि तथा विश्वविद्यालय शाखा, सांख्यिकी शाखा, परीक्षा शाखा, राष्ट्रीय सेवा योजना शाखा, पत्र प्राप्ति व प्रेषण शाखा, कंप्यूटर शाखा, भंडार शाखा, पुस्तकालय तथा कार्मिक शाखा। इस प्रकार से क्या ये 17 प्रकार की शाखाएं इसमें होती है। तो इस प्रकार से क्या है ये कॉलेज शिक्षा निदेशालय है उसका क्या है ये संगठनात्मक ढांचा है। इसके पश्चात हम कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो है उसके कार्यों के बारे में देखते हैं। कॉलेज शिक्षा निदेशालय राजस्थान जो है वह सामान्य उच्च शिक्षा के क्रम में नियोजन, बजट तथा कार्यक्रम निर्माण की एक सर्वोच्च कार्यकारी संस्था है, जो राज्य के शिक्षा विभाग के साथ मिलकर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तथा उपाध्यायता को सुनिश्चित करता है। निदेशालय के जो कार्य हैं उनको हम क्या है निम्नांकित शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला जो है वो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योजना, नीति तथा बजट निर्माण। राजस्थान में उच्च शिक्षा के लिए नियोजन, नीति तथा बजट निर्माण में निदेशालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि निदेशालय के पास सरकारी अनुदानित और गैर अनुदानित जो कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, विद्यार्थी और प्रत्येक संकाय में आवश्यक सुविधाओं की व्यापक सूचनाएं और तथ्य जो हैं वो संग्रहित होते हैं, और आगामी वर्षों में जो संभावित विद्यार्थियों की संख्या है, महाविद्यालयों पर जो बढ़ने वाला बोझ है और उसके लिए जो व्याख्याताओं की आवश्यकता है, वित्तीय या जो अन्य संसाधन हैं उनकी ज़रूरतों का क्या अनुमान लगाना और उसके हिसाब से क्या है बजट का जो विवरण है उसको तैयार करने में क्या निदेशालय लगातार प्रयासरत रहता है। UGC जिसको हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तथा विश्वविद्यालयों के साथ यह समन्वय स्थापित करता है और जो आगे की योजना है राजस्थान की उच्च शिक्षा से संबंधित उसकी आवश्यकताओं का विवरण जो है उसको वो क्या है ये निदेशालय राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। और आदिवासी जो क्षेत्र हैं उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। महाविद्यालयों में जो शैक्षिक कैलेंडर है उसको भी ये तैयार करता है, और प्रवेश की नीति है, विषयों को निर्धारित करने में जो निदेशालय की भूमिका है उसको बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उस शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समसामयिक सुधार हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं वो क्या है निदेशालय निरंतर महाविद्यालयों को मतलब अवगत करवाता रहता है नीतिगत दिशा निर्देशों के माध्यम से। तो इस प्रकार से क्या है जो आयुक्तालय है वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योजना, नीति और बजट निर्माण का कार्य करता है। अगला जो कार्य है इसका महाविद्यालयों को अनुदान। राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार तथा सर्वसाधारण के लिए उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होती है। इसके लिए राज्य में 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें क्या प्रत्येक ज़िले में कन्या महाविद्यालय की शुरुआत हुई थी। राज्य में उच्च शिक्षा का प्रसार सन 1993 से 2013 के बीच में काफ़ी तीव्र गति से हुआ, और देश में आज ओवरऑल हम देखें तो करीब 65,000 की आबादी पर एक महाविद्यालय है, जबकि राजस्थान में क्या है ये 40,000 की आबादी पर एक महाविद्यालय एवरेज है। उच्च शिक्षा में जो राष्ट्रीय नामांकन की दर है वो 10 है, जबकि राजस्थान में क्या है उससे अधिक 12 है। राजकीय महाविद्यालयों के अलावा जो निजी महाविद्यालय हैं उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार की ओर से सहायता अनुदान दिया जाता है। अनुदान के लिए आवश्यक शर्तों की पालना तथा अन्य कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करने के लिए जो कॉलेज शिक्षा निदेशालय है वो आवश्यक कदम उठाता है, और महाविद्यालयों से प्रस्ताव पास करना, महाविद्यालयों के उनकी छंटनी, उनकी जांच करना और आवश्यक मात्रा में अनुदान वितरित करने की जिम्मेदारी आयुक्तालय की है। तो इस प्रकार से क्या है ये अनुदान संबंधी इसके कार्य हैं। इसके पश्चात अगला जो कार्य है वो है इसका छात्रवृत्ति संबंधी कार्य। कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो है हर साल उत्तर मैट्रिक जो कक्षाएं हैं उनमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। निदेशालय समस्त राजकीय व मान्यता प्राप्त
जो महाविद्यालय है उसमें अध्ययनरत विभिन्न जरूरतमंद विद्यार्थियों को नूतन व नवीनीकरण की छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है। नेशनल स्कॉलरशिप है, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को छात्रवृत्ति है, मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति है, भारत पाकिस्तान व चीन युद्ध में जो अपंग या मृत जो सैनिक हुए थे उनके बच्चों को छात्रवृत्ति है, राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जो हैं उसके लिए फाइन आर्ट की जो स्कॉलरशिप है उसको भी ये देता है। शोध संबंधी छात्रवृत्तियाँ हैं, कारगिल शहीदों के लिए छात्रवृत्तियाँ हैं। इस प्रकार से क्या है, ये विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ चलाता है। अगला जो कार्य आता है, महाविद्यालयों का निरीक्षण व मार्गदर्शन। कॉलेज शिक्षा निदेशालय है, उसके अधीन आने वाले सभी सामान्य शिक्षा महाविद्यालय तथा अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों को शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश है वो निदेशालय प्रदान करता है। निदेशालय में निदेशक तथा संयुक्त निदेशक समय समय पर महाविद्यालयों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करते रहते हैं। महाविद्यालय की जो कक्षाएँ हैं, विद्यार्थी है, संकाय या सेक्शनों की जो संख्या है, आवश्यक फर्नीचर है, प्राध्यापक हैं तथा अन्य पुस्तकालय या प्रयोगशाला सुविधाएं जो हैं उसका आकलन व तदनुसार नीति निर्माण का कार्य निदेशालय के प्रमुख जिम्मेदारी यही हम पढ़ चुके हैं। राजकीय महाविद्यालय में हर साल क्या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होती है उसके हिसाब से क्या है, व्याख्याताओं के पदों में भी क्या बढ़ोतरी की जाती है और राज्य सरकार से उसकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है और उसके आदेश जारी कर फिर क्या वैकेंसियाँ वगैरह निकाली जाती है और प्रत्येक अध्यापक के तो साप्ताहिक कलांश, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के जो कलांश हैं, कक्षा में उपस्थिति की जो अनिवार्यता है और इस प्रकार से अन्य अनेक जो नियम हैं UGC के मानदंडों के अनुसार, राज्य सरकार के जो निर्देश अनुसार वो क्या है तैयार किए जाते हैं। इसके एक अलावा एक और कार्य है इसका, शैक्षिक वातावरण का निर्माण व मार्गदर्शन, जो इसमें मैं लिख नहीं पाया। राज्य में उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने, महाविद्यालय में अनुशासन स्थापित करने तथा शैक्षिक विकास में जो बाधाएं आ रही है उसको दूर करने के लिए निदेशालय प्रयास करता रहता है और उच्च शिक्षा के लिए क्या है आवश्यक संसाधनों को जुटाता है और मानदंडों के अनुसार शैक्षिक कार्य निष्पादित करवाता है। शिक्षक विद्यार्थी के जो संबंध है उसको सौहार्दपूर्ण बनवाता है। NCC है, NSS है, रोवर रेंजिंग है, पर्यावरण मंच है, इस प्रकार से क्या है अनेक जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, कॉलेज कम्युनिटी कार्यक्रम हैं और विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं सामाजिक आर्थिक मानसिक विकास हेतु कराई जाती है और ये सब किया जाता है। निदेशालय संकल्प नामक पत्रिका का भी प्रकाशन करता है और UGC के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक तथा अधिनियोग्य वातावरण निर्माण करने के लिए निदेशालय कार्यरत है। सन 1994 में UGC की एक सह संस्था है जिसको हम क्या है NAC कहते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद जो है बेंगलोर में है इसका मुख्यालय। ये UGC की एक सह संस्था है, NAC जिसको कहते हैं। ये क्या है, देश के समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की जो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूम्स की व्यवस्था है, फर्नीचर की व्यवस्था है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, बिजली पानी रैंप स्टाफ ठीक है ना, और जो वहाँ की जो कॉलेज की उपलब्धियाँ हैं शैक्षिक रूप से और इस पर क्या है वो मूल्यांकन करके ग्रेड देती है। तो जिसका ज़्यादा बढ़िया ग्रेड होता है कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का वो क्या उतना ही बढ़िया जाता है। तो ये क्या है एक नेक्स्ट संस्था है, ये क्या है कॉलेजों का क्या है मूल्यांकन करती है। तो इस प्रकार से क्या है इसमें ये मुख्य बातें हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, लैंग्वेज लैब, युवा विकास केंद्र, प्लेसमेंट सेल, ये भी क्या है कुछ इसमें नवाचार हो रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कुछ महाविद्यालयों को मॉडल कॉलेज के रूप में भी क्या है आयुक्तालय द्वारा किया जा रहा है और महाविद्यालयों की रैंकिंग के लिए क्या है वार्षिक अंकगत मूल्यांकन व्यवस्था है, एनुअल स्कोर बेस्ड रेटिंग सिस्टम है, इसको भी क्या है लागू किया जा रहा है। इसके अलावा मतलब जो
व्यवसायिक या प्रोफेशनल कोर्स हैं सामान्य शिक्षा के साथ साथ, उस पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि क्या है शिक्षित युवा जो है वो बेरोज़गार न रहे, और कैंपस प्लेसमेंट की भी क्या है कुछ जगह व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार से क्या है ये कुछ मतलब शैक्षणिक वातावरण का निर्माण और संवर्धन से जुड़े हुए कार्य हैं। इसके पश्चात आता है कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य आयुक्तालय का। आधुनिक प्रशासन तथा प्रबंधकीय मान्यताएँ मानव संसाधन को सर्वश्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण मानते हुए उसके संवर्धन पर सबसे ज़्यादा जोर देती है। इसी क्रम में उस शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी ये महाविद्यालय हैं उनमें योग्य व प्रतिभावान व्याख्याता या सहायक आचार्य क्या है नियुक्त किए जाते हैं। UGC की योजना के अनुसार जो विभिन्न यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें क्या ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों के द्वारा शिक्षकों को क्या है परिमार्जित किया जाता है। इसके अलावा महाविद्यालय के व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची का निर्माण, उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफ़र, उनका कैरियर डेवलपमेंट और जो डिसिप्लिनरी एक्शन अनुशासनात्मक कार्रवाई है, इससे संबंधित जो कार्य हैं वो निदेशालय करता है। इसके अलावा महाविद्यालय के व्याख्याताओं को शैक्षिक सेमिनार, वर्कशॉप, संगोष्ठियाँ, मान्यता प्राप्त संघों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने, अनुसंधान व अन्य उच्च देने हेतु स्वीकृतियाँ वगैरह जो हैं वो आयुक्तालय द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसके पश्चात कुछ परीक्षाओं का आयोजन भी आयुक्तालय द्वारा किया जाता है। सामान्य उच्च शिक्षा जैसे आर्ट है, लॉ है, कॉमर्स है, साइंस है, इसमें हम क्या है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, तो ये सब क्या है संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जाती है। जैसे राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी है या जो राजकीय महाविद्यालय बज्जू है, इसकी क्या यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग है। उसकी खेतड़ी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है और यहाँ की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है। तो ये जो यहाँ पे BA, MA, BSc, BCom, MCom ये सब जो क्लासें हैं सामान्य, ये तो क्या यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जाती है, और आवश्यक डिग्री या डिप्लोमा जो है वो यूनिवर्सिटी प्रदान करता है। इसी क्रम में क्या है कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो है उसकी क्या भूमिका बहुत सीमित होती है। यूनिवर्सिटी का काम क्या है एग्ज़ाम वगैरह करवाना, परंतु राज्य में ऐसी दो संस्थान हैं जहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों की जो परीक्षा है उसका आयोजन और सफल विद्यार्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र देने का जो काम है वो निदेशालय करता है। ये दो संस्थान हैं आपके राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, ये दो संस्थान हैं। इनकी बच्चों के परीक्षा का आयोजन और डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो भी हैं उसको जारी करने का काम किसका है आयुक्तालय का है। राजस्थान संगीत संस्थान जो है इसका जयपुर में मुख्यालय है और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1978-79 तक तो ये क्या है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो बीकानेर है उसके नियंत्रण में था, और उसके बाद से क्या है ये अब कॉलेज शिक्षा के नियंत्रण में है। यहाँ पे गायन, सितार, गिटार, वायलिन, तबला, कथक, सारंगी का क्या त्रिवर्षीय संगीत मध्यमा तथा संगीत विशारद, और गायन, सितार, गिटार, नृत्य, कथक में द्विवर्षीय संगीत निपुण तथा गायन और सितार में बी म्यूजिक उपाधि प्रदान की जाती है। इसका वित्तीय प्रबंधन जो है राज्य का कला व संस्कृति विभाग करता है। इसी प्रकार जो दूसरा संस्थान मैंने बताया आपको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, इसकी क्या है स्थापना जो है सन 1866 में उस वक्त के जब महाराजा सवाई राम सिंह जी जो थे उन्होंने क्या की थी, और उस वक्त उसका नाम था मदरसा ए हुनरी, उसको अब क्या है वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है, उसको कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। यह संस्थान जो है चित्रकला, व्यवहारिक कला तथा मूर्ति कला में क्या है BFA जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स तथा MFA अर्थात मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्रदान करता है। 1980 से यह संस्थान कला व संस्कृति विभाग के बजट मत से कॉलेज शिक्षा नियंत्रण के अधीन है, और इस प्रकार से क्या ये कुछ परीक्षाओं का आयोजन कराता है। इसके पश्चात आता है समन्वय संबंधी कार्य।
दो या दो से अधिक व्यक्तियों तथा संगठनों के मध्य समुचित सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। शैक्षिक वातावरण के निर्माण, शोध कार्यों में प्रगति, परीक्षाओं का आयोजन, प्रवेश की नीति, युवाओं का विकास और जो अन्य प्रशासनिक उद्देश्य हैं उसके लिए निदेशालय, राजस्थान सरकार, UGC और राज्य के जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं उनके मध्य क्या ये समन्वय की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे पाठ्यक्रम में इस कॉलेज शिक्षा निदेशालय के बारे में हमने पढ़ा, और यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप मुझसे क्या है जानकारी ले सकते हैं। इसके नोट्स आपको क्या है व्हाट्सएप में शेयर कर दिए जाएंगे।